हरियो म्यूजिक के हर एक नया वीडियो देखे खाती हमरा चैनल के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन के बटन जरूर दबाई ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। भैया जियो से अच्छा भैया एक गाना आप लोगों के सामने प्रस्तुत होके जात बाप जौने का शीर्षक बाप बलात्कारी साधु। आज हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे साधु लोग हैं जिनका नाम लेना भी महापाप है, जैसे कि इतिहास में आजकल देखिएगा कि बाबू आसाराम बापू आजकल जेल में है और इधर जो है राम रहीम बाबा भी जेल में है, चंद्रा स्वामी भी जेल में है। ऐसे ही एक घटना आपके शहर की है, आजमगढ़ जिले की, चार लाइन कवि जी भूमिका लिखे हैं। क्या मास्टर तो ऋषियों का जीवन निर्मल नीर पावन, अरे सुहानी थी बाड़ी पैगंबर बताए, तो जय जयकार पूजा जिनकी होती सदा से, अरे विश्वास दुनिया वालों का उन पर टिका है, तो हो कर के धर्मी अधर्मी बने हैं, अरे संतों के गरिमा पे करिखा लगा कर, अरे रहे मौनी बाबा शहर आजमगढ़ के, खुद अपने ही दामन में दागी लगाए। ए भैया आजमगढ़ शहर की कहानी है, कवि जी एगो गजल लिखना भैया का बा वही है कि अरे का भूल हमसे याद है सरकार हो गए। ए लैया के छोड़ दा ही जम गाना का भाव बा का कवि जी लिखना यह लिखलाम भगवान तेरे भक्त डूबने भी लगे हैं, भगवान तेरे भक्त डूबने भी लगे हैं, भगवान भगवान तेरे भक्त डूबने भी लगे हैं, बन कर के सूल दिल में चुभाने भी लगे हैं। कवि जी शहर के अंदर कहानी की शुरुआत लिखे हैं बा मास्टर साहब, कहानी की शुरुआत है क्या लिखे हैं, करुणा से कलम का पति लिखने में तराना, करुणा से कलम का पति लिखने में तराना, जिला है आजमगढ़ सही महाराज गंजाना, ग्राम करमपुर के दो भाई निवासी, गांव करमपुर के दो भाई निवासी, बापन स्वर्ग वासी छाई दिल में उदासी,
बचन को छोड़ा माली सुनसान हो गया। बड़ा भाई बके लुकिया मौन प्रधारण, बड़ा भाई बके लुकिया मौन प्रधारण, शोभा चला कलकत्ता तब पेट के कारण। ए भैया पहले कहानी के समझ ले, आजमगढ़ जिला के अंतर्गत एक थाना बा जौने थाना का नाम महाराजगंज बा। महाराजगंज थाना के अंतर्गत एक गांव बा जौने का नाम करमपुर बतावल गई। करमपुर गांव के रहे वाली एक बुढ़िया बेचारी अपने दू गो बचपन के लेकर के जीवन बितावत रहल, लेकिन बाहरे विधाता कुछ समय के बाद वो बुढ़िया भी ये संसार छोड़ के चल गई। और दोनों बचवा बेचारे अनाथ हो गई ना तो बड़का लड़कवा जौन रहल ओकर नाम बकेलू रहल, आ छोटका लड़कवा का नाम शोभा रहल। बड़का लड़कवा ये समाज के देख कर के उब गल रहल, सोचल कि ये माया में कुछ बा ना, बियाह शादी हम ना करब, काहे ना भगवान का पूजा अर्चना और भक्ति करती। इस सोच करके बाबूजी घर से गांव से बहरे जा करके एगो कुटी बनवले बा, वही कुटिया में राम नाम अपन जपत बा। छोटका लड़कवा बेचारा अकेला पड़ गल, तनहा पड़ गल, सोचल माई हमारे संसार में ना बाप, भाई हमार जाके भक्ति में लीन हो गई ना, तो कुछ आदमी के साथे वो लड़कवा कमाए बदे कलकत्ता पहुंच गल। आ जब कलकत्ता पहुंचल बाबूजी तो जा करके संजोग से एगो कंपनी में ओके नौकरी लग गई। नौकरी करे लगल, धीरे धीरे लड़कवा जवान हो गई। आ जब जवान हो गई नौकरी मिल गई तो ओकरे दिल में एगो लगन लगल। वो का चीज का लगन लगल भैया, यहाँ एक लाइन गीत बाऊ है, वह गीतिया बात चैतवा में जवन और रतिया सब कहली का कहले बा मामा सर। तर्जवा कलैनिया सुनला मास्टर साहब का बा, औरतिया कमरदा चल गल है कमाए परदेश में, बेचारी अकेला दूगो छोट छोट लड़का के बड़े लेकर के परेशान रह कि हर कटिया लगे लिए लड़का खिलाए कि कटिया करे। तो कहले बाप अरे चैता में लागल बा कटनिया हो भल कटनिया हो पियावा गैला पलटनिया। कहले बा का कहला अरे पियावा जो रहता तलई का खेलवता। अरे हम धन करती कटनिया हो भल कटनिया हो पियावा गैला पलटनिया। शोभा के जब नौकरी मिल गई तो करे मन में एगो लगन लगल बाप, लगनिया कौन बाप, अरे मनावा में लागल बा लगनिया हो भल लगनिया हो घर में लिया इब दुल्हनिया। हर सित पवन अपन सदिया रचवना,
कई के सगाई घर में दूल्हा ही न लिया अरे लाए वो सुंदर मोहानिया हो भल मोहानिया हो घर में ले आई दुल्हनिया ए भैया एक थे दुल्हन आई बड़ा निमन इतना निक रह इतना निक रह कितना निक बताई बताई ना समझ ला कि कितना निक रहल हुई ए भैया जब आई तो धीरे धीरे कुछ दिन बीतल बा आ जब दिन बीतल तो भइल का कि अरे दसवे महीना बाद चहकल चमनावा आ दुल्हन के गोदिया में भइल ला 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 अरे खुशी भइल साजन आओ सजनिया हो भल सजनिया हो घर में लिया ई दुल्हनिया ए भैया दुल्हन आई जब 10 महीना बीतल तब उनके गोद में छोट के एगो बच्चा पैदा भइल आ जब वो बच्चवा पैदा भइल तो शोभा सोच गल कि अब एक साल तक लेके कलकत्ता में दुल्हनिया के बितौली है अब ले चला एक आजमगढ़ में आजमगढ़ अपने घरे आवे के तैयारी कर दल 15 साल बाद बेचारा तैयारी कैल घरे आवे के एक लाइन यहाँ तर्ज लगल अपने समय गाँव एगो मेहरारू बेचारी गई सुहाग वाले घर में आ जब ओकर मरद गल तो ओके कुछ परेशानी भइल आ जब परेशानी भइल तो औरतिया कहले बा का कहले भैया झटके में कहले का कि अरे तनी धीरे धीरे डाला हो दुखाला बलमा अरे तेला वाला जाके झटक में सरकाई दा अरे मर तनी अरे भभला बलमा आ तनी धीरे धीरे डाला हो दुखाला बलमा ए भैया ई त गीत रलिया लेकिन ए गीतिया के गलत अर्थ मत लगी आप मर्दा पहुंचल में ररुआ के भर अखबार जब कचकचा के पकड़ ले बा हथवा में चूड़ी पहले रहे वो फूट गई तो दूसर चूड़ी निकाल के बक्सवा में से मर्दा के दहला किला तनी हमारे कलैया में डाल दा अब मरद बेचारे के कहाँ पता बा कि चूड़ी कैसे पहनावल जाले आ दू पकड़ल कलाई हचहचा के ठेल दिलम मेरा रुआ चिंगुर गई बेचारी अक्सर देख ले बा कि चूड़ियारा अगर चूड़ी पहरावल औरतन के कि कै बेरू चिंगुरैली ये सब लोग जानत बा जब चिंगुर गई कह कि एकदम भगचोदर लगत बड़ा का हो अरे तेल लगा के झटका से मारा अपने जगह पर खुदा चल जाई का हो टिंकुआ के पापा भैया कहले बाप लेकिन गनवा का लाइन बाप कि शोभा अपने पत्नी के ले करके चलल हम सतमा में वो दुल्हनिया चलल सोचत बा का सोचल यह सोचल कि अरे अपने बाला माँ के संगवा चलल गोरिया अरे सजनी के संगवा में चलेला सजनवा अरे सजनी के संगवा में चलेला सजनवा तब टिकट कटौला खुला लगरिया आय अपने सजनी के संगवा चलेले गोरिया
ए भैया लेके चल देना, लेकिन जब चल देना टिकस कटा के गाड़ी पर बैठ गए ना, गाड़ी चल देना धीरे धीरे वो गड़िया पहुँचल कहाँ बाह बा की अरे आजम की आई के उतर गई ना आजमगढ़ सहरिया आकर के आजमगढ़ स्टेशन पर पलनी स्टेशन पर जौन बाय है जन उतर गई ना आ उतर के कहीं ना कहा कि अरे टेम्पू पे चढ़ के गई ना अपने दुअरिया अरे सजिया पछम छम बदल पयलिया अरे सजिया पछम छम बदल पयलिया अरे सजना से अपन कहली गोरिया आई अपन बलमा के संगमा चलल गोरिया अपने पति के साथ अली टेम्पू पकड़ के लोग करमपुर गांव में पहुँचल आ जब करमपुर गांव में भैया पहुँचल हम उ दुल्हनिया अपने पति से कहला कि एक काम करा कि इतनी समय बीत गई है ए बाबू इतनी समय यह बीत गई है तू घरे रहबा त हमन का पेट पर्दा कैसे चली एक काम करा कि जा हमरे नैहर और हमरे बहनिया के जौने का नाम बा गौरी वो गौरी के लेकर के आवा आ यही घरमा छोड़ दा वो गौरी के साथे हम और ये हमार बाबू बड़ा खुश रह जाई आ तू फिर चल जाइया कमाए कलकत्ता अपने पत्नी के बात मान करके शोभा चल देना लेकिन यहाँ एक लाइन गीत बा गई ना कैसे औरतिया सब गाड़ी दुल्हा के लगा के अगर कोनो सरहज लगत रही मन चली रही तो दुल्हावा के लगा के एगो बात कहली का कहली कि अरे मोरी साड़ी कचार मोरा सारा कचार मोरी सारा कचार मोरी सारा कचार मोरे केसर में साबुन लगा साले तुझको नौकरिया धरा दूंगे भैया शोभा अपने पत्नी के बात मान करके चल देना लेकिन कैसे चलना कि शोभा करके विचार चल दिया ससुराल शोभा करके विचार चल दिया ससुराल तब पहुंच गई ना बाबा के कार भैया जाके किया है नमस्कार भैया पहुंच गए ना अपने ससुर के घरे उनकर ससुर बड़ा हाल चाल पूछे लगना बतौना सब समाचार ठीक बाप एक काम करे की जौन गौरी हैं इनके हमरे सतमा लगा दा घरे इनके लिया के जाई वो जन दोनों बहन अपन लोग रही हैं आ हम जौन बाप जा करके फिर अपन नौकरी करे लगब ये बात मन करके उनका ससुर जी कैला का एक लाइन है गीत के नमूना बा भैया बाप बाप कहना है कि अरे झलके जुर्मी जवनिया कि झलके जुर्मी जवनिया वढ़निया तुम्हारा गोरिया लेकिन उनका ससुर कहने का कि अरे शोभा के मान के कहनवा अरे शोभा के मान के कहनवा पिता संग में कैल कबिलावा शोभा के मान के कहनवा पिता संग में कैल कबिलावा
लड़किया के विदा कर दे रहे लड़किया जब आवे लगल गौरी तो अपने मनवा में एगो सपना सजौल आ कौन सपना सजौल कि अरे मन मगन दिल में अरमा सजाई आजा के बहिन घर करब सेवा काई लेकिन मिटे ना विधि के विधनवा अरे मिटे ना विधि के विधनवा विदा संगम कैला करनवा ए भैया विधना का लिखल चीज कही मिटा ना सकेला गौरी तावत रहनी अपने घर अपने बहन के घरे बड़ा सेवा सत्कार करे बदे लेकिन बाहरे विधाता भैल का एक लाइन है गीत के नमूना बाप तजबा वह बाप कहना बा का कहना बा कहना यह बाप तर्क लाइन है कि अरे धीरे धीरे पुनिया में झलक के जवनिया दिया ललचावे अरे ललकी ओढ़ानिया दिया ललचावे लेकिन भाव मिलल का भाव मिलल बाप ऐसे भाव मिलल बाप की करे का कि संपदा उच्च दर्शन बनी के पुजरिया धर्म भवानी भावे अरे गौरी बखरिया धर्म भवानी भावे बनी पटाई बाबा के जाके करे सेवकाई अरे एक दिन साधु का बदल लई मनवा धरम भवानी भावे मवानी भावे गौरी बखरिया धर मवानी भावे ए भैया गौरी का काम यह रहो कि घर का सब काम हम कह के और जा करके वो मौनी बाबा साधु बाबा जो ढलना वहाँ जा करके बेचारी उनके भी कुटिया के साफ सफाई रोज करत रहल ए बाबू एक दिन का घटना बा कि लड़किया बेचारी गईल साफ सफाई करत रह समन्वय साधु बाबा कुर्सी पर बैठल रहलन अचानक वो लड़किया के शरीर से ओढ़निया जो दुपट्टा रह गिर गईल आ जब दुपट्टा गिरल बाप तो वो लड़की का अस्तन वो साधु जी देख लेलन उ बकेलू बाबा जब देखले बाटा तो उनकर मन खराब होके लगल कहलो कि बाहर विधाता क्या चीज है क्या चीज आपने बनाया है मैं तो ये जानिए नहीं रहा था कि औरत के पास कितना कीमती चीज है वो देख करके एकदम बेचैन हो गल बौखला गल काम वासना सवार हो जाती है गौरी से कहता है कि अरे बिटिया तनी वो कुटिया के अंदरमा जाके कुछ साफ सफाई कर दा कचरा बहुत ज्यादा हो गई बा वो लड़की सीधा साधा रह शहर से आई रह के कुछ पता रहल ना बेचारी वो साधु जी का बात मान करके जब वो कोठरी के अंदर बाबू जी गई बाप तब तक एक गद्दार पीछे पीछे जाता है और कुटी के अंदर घुस करके अंदर से दरवाजा बंद कर देता है जब दरवाजा बंद कर बाबूजी लड़किया कहला कि अरे बाबा जी दरवाजा बंद कर दिए हैं अंधेरा है दिखाई नहीं दे रहा है कैसे मैं झाड़ू लगाऊं लेकिन वो साधु तो अपने चलाकी में था कहता है कि अरे गौरी सुन ले मैं किसी से नहीं ये बात कहूंगा अब मत तुम कहना
एक बार मेरे दिल की बात सुन ले। गौरी समझ गई बाबू कि लगत है कि साधु का दिमाग खराब हो गई बा। बेचारी कहला कि छोड़िए मैं जा रही हूँ, जब ही दरवाजा खोलल चला तब तक वो गद्दार उस लड़की को पकड़ लेता है अपने बाहों में, छटपटाने लगती है, रोने लगती है, कहती है कि छोड़ दीजिए नहीं तो मैं जा करके पूरे गांव में आपकी पूरी बात बताऊंगी और गांव से मार करके पूरे गांव से यहां से भगवा दूंगी। इतनी बतिया जब सुन ल और ओकर माथा खराब हो गई, भर अखबार पकड़ करके जमीन पर लेटा दिले बाबू जी। ओकर इज्जत लूटे बदे जब कोशिश करे लगल तब रो रो के वो लड़किया कहले बा एक लाइन तर्ज लगल, यह गीतिया कलैनिया बा जोन मास्टर साहब बजौल हम कि हम तो से पूछिला अरे माली ना ये माली काहे लगवलू यतनी देर मालिनिया हो, ए बाबू रो करके वो लड़किया कहले बा का कहलब कि रोई रोई गौरिया बा ले दोहाइया हो, रोती रह गई लेकिन वो गद्दार मानता नहीं है। तो एक बात याद करावत बा, का याद करौला, वो साधु कहले रहला कुछ पहले वो लड़किया से का कहले रहला, कहला कि ए बेटी सदिया राखी बा तोहरे, अपने हाथ करब कन्या दनवाए बाबूजी, याद करौला कि बाबूजी एक दिन तू ही बतिया कहले रहला कि बिटिया गौरी तोर शादी हम अपने घर से करवाई, अपने कुटी पर से करवाई और तोर कन्यादान हम करब। वह दिन तो बिटिया बनावे के वादा कैला लेकिन आज हवस के पुजारी बन कर के हमारी इज्जत लूटत हवा, कहले बा का कहले बा, लाख कोशिश कैला लेकिन वो गद्दार मनल ना कैले का बाबू। रो रो के कहले बाप वो कैले का रोवे ले गैया नाई
माने का साईया हो। लूटली हला बला कई जतिया ए बाबू जी हो। लूटली हला लाख कोशिश करती रही, लाख मना करती रही, लेकिन बाहर गद्दार वो सबला की इज्जत लूट ही लेता है बाबू। आ जब इज्जत लूट लेता है वो लड़किया कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ अपने घर, लेकिन याद रखना जा करके पूरे गांव वालों को लेकर के मैं तेरे पास आऊंगी। साधु सोच जाता है कि अगर ये लड़की जाएगी गाँव में बता देगी सब लोग जान जाएंगे तो मुझे मार करके इस गांव से भगा देंगी। ये सोच करके गद्दार रिवाल्वर निकालता है बाबूजी और ठाए ठाए दो गोली मार देता है। आ जब दो गो गोलियां लगल बा लड़खड़ा के गौरी वही कुटिया में गिर गई। आ जब गिर गई बाप तो गद्दार छटपटात बा प्राण भी ना निकलत बा आह आह के आवाज निकलत है बाबू। लेकिन वो गद्दार मुआवे खातिर ओकर नटई गटैया के पकड़ करके कस कस के दबावे लगल। आ इतना जोर से दबौला इतना जोर से दबाया कि वो लड़की इस संसार को छोड़ करके चली जाती है। प्राण पखेरू उड़ जाता है बाबूजी। तो कवि जी को मजबूर होकर के टेरी लिखना पड़ा। लहू से कुटिया लाल हो गई, अरे लहू से कुटिया लाल हो गई, तो जोबन जुर्म जवानी बना जीवन का काल रहो काल रहो काल। जोबन जुर्म जवानी बना जीवन का काल, लहू से कुटिया लाल हो गई। गोली मार देता है बाबूजी आ लाश के छिपावे बदे कहाँ छिपोले बा लसिया के विदसिया लगल मास्टर साहब। कैले बा का कैलब कि अरे कुटिया के बहारा पतैया के भीतारा हो। अलसिया के पापी कई दिहला दफनावा, उस लाश को ले जा करके कुटी के बाहर महुआ का पत्ती झरल है बाबू, वही पतैया में घुसेड़ करके ऊपरा से वो पतैया गिरा धला। और इधर धीरे धीरे शाम हो गई बा। बड़की बहनिया सोचत बा कि आखिर का बात भइल कि हमार छोटकी बहनिया ना आइल। सोच लगल का सोचल कि अरे सुबह से सामा भइली आ गौरी जबना घरे आइली, तब बड़की बहनी तड़ा पे पारा नावा। अरे घूमी घूमी गौआ में खोजली बहिनिया हो, अखिया से झारा झारा बरसे लाप
पानिया। ए बाबू, जब सुबह से शाम हो गई, गौरी घरे ना गई तो एकदम बौखला गई बहनिया। जा करके गांव में पता लगावे लगल, लड़कन से पता लगावे लगल, लेकिन कहीं ओकर पता ना चले। एक लड़का कहला कि अरे उ गौरी के तो हम सवेरे 10 बजे देखली कि जा करके वही कुटिया पर झाड़ू उड़ू लगावत रहल। बहनिया सोच गई कि हो सकेला कि साधु जी कुछ बात बतावे कि गौरी यहाँ आई ल तो आखिर भइल कहाँ। पहुंचल बा साधु जी से पूछला, साधु जी इनकार कर गई ना। वो गद्दार साधु झूठ बोलता है कि कुटिया पे आज ना गौरी आई लल है, रोज तयावत रह लेकिन आज ना आई है। बहनिया के जब शंका भइल तो पहुंच गई थाने पर, आ जब थाने पर पहुंचल बा तो पहपट लगल मास्टर। पाप से बोझल डोल लेने वरिया पापी साधु के, कि अरे पाप से बोझल डोल लेने वरिया पापी साधु के, आ जाके दिहली थाने पर खबरिया पापी साधु के। कहली जाके पाला हो अडूढ़ो दरोगा साहेब आगे गड़बड़ हमें बुझाला हो। अरे वो नई साल तिरहल सुगर तरिया पापी साधु के, अच्छा के दिहली थाने पर खबरिया पापी साधु के। बाबू जा करके वो बहनिया दरोगा जी के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा करके कहती है कि सरकार हमको शंका है कि जो हमारे गांव के बगल में साधु जी हैं बकेलू बाबा, लगता है कि वही कुछ गड़बड़ किए हैं। जब बाबूजी शंका भइल तो दरोगा जी पहुंचना कहां पहुंचना आल्हा के अंदर भाव बा मास्टर। लेनिया यह बा मास्टर साहब भइल का कि अरे लेके सिपाही चलला, अब लेके सिपाही चलला चार गो दरोगा ये भैया। उस करमपुर कुटी को चारों तरफ से घिरवा लेते हैं, लेकिन भाई बाप करेला तलाशी नहीं मिलला सब तवाए भैया। भैया दरोगा जी तलाशी के ना, लेकिन कोई सबूत ना मिलल, सबूत ना मिलल। बाबूजी पूछताछ के ना साधु जी हर हर बतिया के उनके टाल जनम, लेकिन संजोग का बात बाकी जब कुटिया से बाहर दरोगा जी निकले लगला तो वही दिवलिया पर दो चार गो खून का छींटा दिखाई देला।
आज जब चीता दिखाई देता है तो शंका हो जाती है, आज जब शंका भैल तो का भैल भैया सदर में रही। अरे खुनवा का चीता एक दीवाल पर दिखाई ना, भैया खुनवा का चीता एक दीवाल पर दिखाई ना। अरे पूछल दरोगा तो बबतिया दिखा, अरे शंका भइल तब साधु पकड़ला, अब परे लागल पिछिया पर लठिया दमा। शंका भइल कि यह साधु वो लड़किया के साथ कुछ कैला, पकड़ करके एगो पेड़ में बांध करके और लाठी से पिटाए हो खेल गल बाबू, तो सारी बात बता देना। यार गौवा के लोगवा रोवत हम का कहम कि अरे भैली पिटाई तब बतौला सारी बतिया, बाबू भैली पिटाई तब बतौला सारी बतिया। अरे गौवा के लोगवा कर लहाया, अरे लसिया के देखा जब बड़ा की बहिनिया, बाबू लसिया के देखा जब बड़ा की बहिनिया। अरे रोवले बहिनिया करे जब देखा, ए बाबू जब लसिया निकलल बा गांव के लोग जुटल, गांव के लोग देखना लसिया, सब लोग के आंख में आंसू आ गई, बड़की बहनिया कलेजा फार फार के रोवत बाप, और सब लोग मिल करके वो साधु के दरोगा जी से कहला कि पीट करके के जा करके अब सीधा ले जा करके जेल करवा दे। लेकिन कवि जी का एगो कहना बा, का कहना बाप, का कहना कवि जी का कहना बा सभी वर्ग वालन से का, कि अरे पापी किया घिनौना काम किया, संतों का नाम बदनाम, आलू के घर मई मनवा लगा के टिकावा, धर्म के पीछे टीका चंदन टीका लगा करके दुनिया को ठग रहे हैं, अंधविश्वास में लोगों को फंसा करके उनसे धन प्राप्त करते हैं, और उनके बहन बेटियों को जब मौका पा जाते हैं अपने चंगुल में पा जाते हैं तो उनकी इज्जत भी लूट लेते हैं। इसलिए सभी वर्ग वाले काम करिए बाबूजी, कि अरे सभी वर्ग वाले ये नीत अपनावा, ढोंगी ये साधुअन के मार के भगावा, अरे मिली सुख शांति चयनवा लगा के टिकावा, आलू तो धर्म यही मनवा लगा के टिकावा। आखिरी में कवि जी गुरघराने की परिचय देते हुए कहते हैं कि गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरकारी, अरे स्वर्ग बेचन जी बचन जी बने पुजारी हो, कि अरे लहू से कुटिया लाल हो गई,